नमस्कार दोस्तों, टेक युक्ति में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 300 रुपये का मोबाइल, और यह मोबाइल जियो को टक्कर देगा। बहुत सारे रूमर्स हैं सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे कि जो 300 रुपये में एक मोबाइल आने वाला है वह मोबाइल जियो को टक्कर देगा। तो क्या ये सच में जियो को टक्कर देगा आपको लगता है और नहीं लगता है, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में विस्तार से। और इसके साथ मैं इस मोबाइल के बारे में कुछ ही जरूरी सच्चाई के बारे में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके साइड में दिए गए घंटे को बजाना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, डिटेल इंडिया नाम का एक प्रोडक्ट है जो कि पहले से मोबाइल बनाता है, और ये मोबाइल इनका आता है। सारे फीचर फ़ोन होते हैं, कोई 700 में, कोई 800 में, कोई 900 में। मैंने फ्लिपकार्ट पे जाके चेक किया तो यहाँ पे इनके डिटेल के फ़ोन हैं, 699 में है। ये सारे फीचर फ़ोन बनाते हैं, इसमें कोई 2G का फ़ोन होता है इनका। और तो जो लोग ये मानते हैं कि ये जियो फ़ोन को टक्कर देगा, जो कि जियो फ़ोन का प्राइस होगा 1500 रुपये और यह फ़ोन है 300 रुपये में, तो यह बिल्कुल गलत सोचते हैं। क्योंकि अभी इस समय में जितनी भी कंपनियाँ हैं, चाहे एयरटेल हो, आइडिया हो, वोडा हो, सारे जो ऑफ़र दे रहे हैं, कॉलिंग के ऑफ़र दे रहे हैं या फिर इंटरनेट के ऑफ़र दे रहे हैं, वो सब 2G के लिए नहीं दे रहे हैं, वो केवल 4G के लिए ऑफ़र दे रहे हैं। तो अगर ये 4G सिम इसमें चलेगा ही नहीं तो यहाँ पे ऑफ़र किस बात का? ऑफ़र इसमें लगेगा नहीं, जियो का कोई टक्कर है ही नहीं इसका। इसका दूर दूर से जियो से कोई भी मतलब नहीं है। और दोस्तों, आप इस चक्कर में कभी मत आइएगा, यह फ़ोन केवल 2G सिम यूज करने के लिए है। अगर आपको 2G सिम यूज करना है तो आप इस फ़ोन को 300 रुपये में ख़रीद सकते हैं। और मुझे नहीं लगता मार्केट में हज़ारों फ़ोन 300 रुपये में मिल जाएंगे जो कि आपके सिंपल, जो आप 2G सिम यूज कर सकें। और आपको दिक्कत ये भी होगी कि अगर आपके पास पुराना 2G सिम नहीं है तो आप नए 2G सिम को नहीं पा सकते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और आपको एक क्लियर कर लेना है कि जियो सिम इसमें नहीं चल सकता है, और ना ही ये जियो मोबाइल को कहीं से टक्कर दे रहा है। यह फ़ोन 2G है, जियो फ़ोन 4G है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद इस फ़ोन को अगर आप चाहें तो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड कार्ट पे क्लिक करेंगे, और चूंकि यह साइट बड़ा लोड चल रहा है क्योंकि लोगों ने इसका रूमर इतना ज़्यादा उड़ा दिया है कि उल्टा पुल्टा हो गया, बहुत साइट बहुत लोड चल रहा है, तो बहुत स्लो खुलेगा। और आराम से जाके आप यहाँ से ऐड कार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना जो है एड्रेस, बिलिंग एड्रेस और एड्रेस फिल करना होगा, उसके बाद ये ऑर्डर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, देखिए बार बार रिडायरेक्ट होकर मेरा इसी पेज पे आ जा रहा है, तो कितना दिक्कत है और दिक्कत हो रही है। यहाँ पर व्यू कार्ड पर जाएंगे और वहाँ से हम अपना ऑर्डर फुलफ़िल करेंगे। और दूसरी चीज़ और इस बारे में बताने वाला हूँ, यह साइट का जब मैंने चेक किया डोमेन, क्योंकि डोमेन यहाँ पे आप देख रहे हैं सिक्योर डोमेन नहीं है, और चूंकि मैं नहीं जानता कि कोई भी अगर अपने पेमेंट गेटवे का यूज करता है, यानी पेमेंट का लेन देन करता है, तो अपने साइट सिक्योर रखता है ताकि वह हैकिंग जैसे एक्टिविटी से बचे, और यह साइट ऐसा नहीं करता है। और यहाँ इस साइट के जब अबाउट सेक्शन में आएंगे तो इस साइट पे आपको मिलेगा कि जो इसके CMD हैं योगेश भाटिया हैं, जिनका एक और वेबसाइट है b2batta.com, यहाँ पे भी ये मोबाइल बेचते हैं। सारे मोबाइल इनका यहाँ पे सेलिंग पे लगाते हैं और सेलिंग पे मोबाइल बेचते हैं, तो ये क्लियरिटी नहीं हो पा रही है कि एक्चुअली ये करते क्या हैं और इनका कोई कंपनी है अभी या नहीं है। लेकिन फ्लिपकार्ट पे डिटेल का मोबाइल पहले से मिलता है, तो ऐसा जाहिर से है कि मोबाइल मिल सकता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे देखिए कंपनी का रजिस्टर हुआ है, ये कंपनी जो हुई है पे जो डोमेन का नाम है आशीष अरोरा के नाम से है, और एज इन्फोटेल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से यह डोमेन रजिस्टर्ड हुआ है GoDaddy पे। लेकिन और यहाँ पे इस कंपनी का जो पैरेंट कंपनी लिखा है SG कॉर्पोरेट मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, इसको मैंने चेक किया गृह मंत्रालय, आप कह लीजिए गृह मंत्रालय, जहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी कंपनी फेक है या नहीं है। चूँकि इस कंपनी का जो मुझे पूरा जो है SG का फुल फॉर्म नहीं पता है, तो इसलिए मैं इस कंपनी का नहीं चेक कर पाया। क्योंकि जब भी कोई कंपनी का वहाँ से हम चेक करते हैं कि यह कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो उसका हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो यहाँ पे SG कॉर्पोरेट मोबिलिटी लिखा है, तो इसलिए इस कंपनी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, और उसने कहा है कि यह कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। और दूसरा जो कंपनी यहाँ पे जो लिखा गया है एज इन्फोटेल प्राइवेट लिमिटेड, यह कंपनी रजिस्टर्ड है और यह दिल्ली की कंपनी है, इसके बारे में वहाँ से जानकारी मुझे मिली। तो दोस्तों, मोबाइल ले सकते हैं, मोबाइल में आप COD ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल मिलता है या नहीं मिलता तो बात की बात है, लेकिन मुझे अगर नहीं मिलता है तो यह किस लिए है, या फिर पूरा स्कैम है, या फिर मोबाइल मिलेगा, ये गारंटी नहीं है कोई भी। तो ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, detailindia.com नाम की वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों कि अगर आप जियो फ़ोन लेना चाहते हैं और आपका मन इसकी तरफ भटक रहा है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि जियो फ़ोन में आपको 4G मिलेगा और बहुत सारी सुविधाएँ फ्री मिलेंगी, और ऐसा इस फ़ोन में नहीं है। इस फ़ोन को लेने के बाद आप 300 रुपये अपना वेस्ट करेंगे। 2G सिम में कौन यूज करता है आज के समय में? कौन यूज करता है 2G सिम? 2G सिम कोई भी यूज नहीं करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।
और मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ ऐसे जो है साइट से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं इससे पहले कि जो मोबाइल के नाम पे वो मोबाइल देते नहीं हैं और हमारे जो है डाटा को ले जाते हैं और सेल करते हैं उन्हें। और बहुत लोगों ने इसके बारे में रिवील किया है कि कैसे हमारे इन्फॉर्मेशन को सेल किया जाता है, हमारे ईमेल आईडी को, फ़ोन नंबर को, और तरह तरह के मैसेज आते हैं हमारे पे। कभी गलती से कोई हो जाता है कि आपका क्रेडिट कार्ड आ गया है, आपका ये आ गया है, वो आ गया है, उसके बाद वो अपना इन्फॉर्मेशन मांगते हैं और गलती से अगर किसी ने दे दिया तो उनके सारे डाटा चले जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे वेबसाइट से बचे रहें आप, मेरा ये मानना है। लेकिन अगर आप चाहें तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टिप्स के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।